हेलो दोस्तों, ऑल इन वन टीईटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विषाणु से होने वाले जितने रोग हैं उसको पढ़ेंगे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और आप सभी बार बार गलती करके दोस्तों आ जाते हैं। तो आप सभी के लिए विषाणु से होने वाले जितने रोग हैं उसको याद करने का ट्रिक मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अगर इसे आप एक बार दोस्तों देख लेते हैं तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगी और कहीं भी कभी भी आपसे ये पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल टिक करके ही परीक्षाओं के में आप आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विषाणु जो शब्द है सबसे पहले इवानोस्की ने खोज की थी और 1892 में उन्होंने इसकी खोज की थी, विषाणु की। आगे हम ट्रिक की बात करें तो दोस्तों ट्रिक के रूप में आप इसे याद कर सकते हैं, एडे पोइचे छोग खट्टा हिम हरे के रूप में याद करना है। और आप सभी देख सकते हैं कि ए यहाँ पर देख सकते हैं, ए से एड्स नामक बीमारी होती है जो विषाणु से होती है और ये WBC को प्रभावित करती है, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स को प्रभावित करती है, हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षण क्षमता है उसको खत्म कर देती है। एड्स विषाणु से होने वाली रोग है एड्स। उसके बाद डे से आप देख सकते हैं कि डेंगू होती है। उसके बाद पो से आप सभी देख सकते हैं दोस्तों कि पो से पोलियो नामक बीमारी होती है। उसके बाद है ई से इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है हमारे पूरे शरीर को दोस्तों प्रभावित करती है। उसके बाद देखते हैं चे से दोस्तों देख सकते हैं कि चेचक बीमारी होती है। ओ छो से है छोटी माता। ग से दोस्तों देख सकते हैं कि गलसुआ नामक बीमारी होती है। उसके बाद ख से देख सकते हैं कि खसरा प्रभावित होने वाले अंग जो है पूरे शरीर है खसरा से। उसके बाद ट्रा से दोस्तों ट्रोकोमा जो आंख की बीमारी है, आंख से रिलेटेड है तो ये विषाणु जनित है ट्रोकोमा। उसके बाद दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि ही से हेपेटाइटिस नामक बीमारी होती है। उसके बाद है म से मेनजाइटिस जो होती है ये मस्तिष्क को प्रभावित दोस्तों करती है। आगे है ह से हेपेटाइटिस। और उसके बाद है रे जो है रेबीज नामक बीमारी होती है। तो दोस्तों आपके लिए ये काफी महत्वपूर्ण ट्रिक है विषाणु जनित होने वाले रोग। अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं, एडे पोइचे छोग खट्टा हीम हरे, दोस्तों अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एड्स जनित जितने भी रोग हैं, जो 13 रोग हैं आप सभी देख सकते हैं कि विषाणु से होने वाली ये 13 बीमारी है, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें ये पूछी जाती है अगर आपको वहां मिलता है तो दोस्तों इजी वे में आप टिक करके आते हैं। मैं जीवाणु इजी ट्रिक बना चुका हूं, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों, आप उसे देख सकते हैं। साथ में इसे आप याद कर सकते हैं, काफी इजी है, एडे पोइचे छोग खट्टा हिम हरे, एकदम इजी है, याद करना काफी आसान है और ये काफी आपके लिए फायदेमंद है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।